आज मैं एकदम नई और यूनिक केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि कल जन्माष्टमी है, तो क्यों ना कान्हा जी के लिए एकदम अलग और हटकर मटकी केक बनाया जाए। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जैसा कि कान्हा जी को माखन बहुत ही प्रिय है, तो आज मैंने उनकी माखन भरी मटकी बनाई है। इस साल लॉकडाउन की वजह से सभी मिठाइयों की दुकानें बंद हैं, इसलिए हम हमारे कान्हा जी को ये मटकी केक का भोग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ये केक बनाने के लिए मैंने वेनिला स्पॉन्ज बेक करके रखा था। इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे मैं दो स्लाइस में कट कर ले रही हूँ। ये देखिए स्लाइस कट हो चुकी है। अब हम हमारी व्हिप क्रीम लेकर इसे बीट कर लेंगे। इसे हमें स्लो से हाई की स्पीड में रखकर ही बीट करना है। हमारी क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। देखिए हमारी क्रीम कैसी परफेक्ट थिक हो गई है। अब हम केक स्लाइस को पानी से सोक कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से सोक करना है। दोनों स्लाइस को हमें सोक कर लिया है। अब हम स्पैचुला से केक पर थोड़ी सी क्रीम लेकर पैलेट नाइफ से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। ये स्प्रेड हो चुकी है। अब हम इस पर हमारी दूसरी सोक की हुई केक की स्लाइस रख देंगे। इस पर हम और क्रीम लेकर अच्छी तरह से फैलाते हुए क्रम्बल कोट कर लेंगे। ये देखिए जैसा मैं कर रही हूँ, ये हमारा क्रम्बल कोट हो चुका है। आप इसे स्टेज पर इसे 5 मिनट फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे हमारी मेन केक की डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा अमाउंट में क्रीम लेकर केक की कोट करते जाना है। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब ये हमारा रफ डोम शेप जैसा बन गया है। इसे हम फाइनल मटकी शेप देने के लिए एक फाइल शीट लेंगे। इसे हमें बड़े ही हल्के हाथों से हमारे टर्निंग टेबल को दूसरे हाथ से घुमाते हुए करना है। मैं जैसे कर रही हूँ आप भी इसी तरह से करेंगे, ये जरूर परफेक्ट बनेगा। हमारा परफेक्ट डोम शेप रेडी हो चुका है। अब हम हमारे मटकी के ऊपर का शेप बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्रीम में ऑरेंज कलर डालकर कोन में भर लिया है। ये देखिए जैसा मैं बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसे बना लें। ये हमारी मटकी अब रेडी हो चुकी है। हम इसका डेकोरेशन करेंगे। मटकी को मैं येलो कलर देने वाली हूँ। इसके लिए मैंने न्यूट्रल जेल में येलो कलर मिक्स कर लिया है। आप इसे थोड़ा पानी ऐड कर इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा थिक। तो इसे भी मैंने एक बैग में भर लिया है। इसे अब हम केक पर पोर कर लेंगे इवनली। इस तरह से आप इसे पूरे केक में अच्छे से लगा लें। अब ये जेल लग चुका है। अब इसे मैंने केक बोर्ड पर ट्रांसफर कर लिया है। मक्खन बनाने के लिए हमें व्हाइट क्रीम लेकर इसे एक पाइपिंग बैग में डाल देना है, साथ ही सामने से कट कर लेना है। अब इसे हम इस प्रकार मक्खन बनाते जाएंगे। हमारी क्रीम थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। इसे मैं मटकी से गिराते हुए दिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसे यूं बना रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसको बनाएं। ऐसा मटकी से गिरता हुआ मक्खन एकदम रियल लुक देता है। ये बहुत सुंदर दिखाई देती है ऐसी मटकी। मैंने ये मक्खन पूरा नीचे तक बना लिया है। कान्हा जी को मक्खन बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे और बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह भर दे रही हूँ मटकी को। ये हमारा माखन केक पर बनाकर रेडी हो चुका है। ऑरेंज व्हिप क्रीम से अब मैं इसकी बॉर्डर बना ले रही हूँ। हमारी बॉर्डर बन चुकी है। मैं ब्राउन क्रीम से पाइपिंग बैग में डालकर मटकी के ऊपर डिजाइन बना रही हूँ। देखिए इससे हमारी मटकी बहुत ही सुंदर दिखती है। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं।
तो हमारा ये मटकी केक रेडी है। इस केक को बनाने के लिए हमें कोई भी नोजल की जरूरत नहीं है। ये देखने में अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो भी ये आसानी से बनाया जा सकता है। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।